अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी फ्राइड बैंगन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर मैंने 2 से 3 बैंगन लेकर उनको अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसको मोटा मोटा काट दूंगी। आप चाहें तो इनको पतला पतला भी काट सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि फिर वो पापड़ लगे। बेहतर यही है कि मीडियम साइज़ का काट लें आप, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। काटने के बाद अब मैं इसको एक बॉल में रखूँगी और इस पर मैं बस नमक लगा के थोड़ा सा हंस पे जायका रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। पाँच से 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इनको फ्राई कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और एक बारी में जितने जा सकें कढ़ाई में उतने ही फ्राई कीजिए, वरना अगर ये ज़्यादा हो गए तो फिर ये सही से पकेंगे नहीं। और अगर आप चाहें तो इनको जो है वो कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे हम कबाब तलते हैं वैसे ही। ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको तलने में सिर्फ 5 या 7 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाता है। अब इन पे गोल्डन कलर आ चुका है तो मैं इनको निकाल लूँगी। अंदर से ये बिल्कुल पक गए हैं और मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और डिश आउट करने के बाद इस पे मैं अपना स्पेशल मसाला डालूँगी जो घर में मैं बना कर रखती हूँ। उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैं इस पे मसाला लगा रही हूँ। मसाले में मैंने हल्दी, ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें वो छिड़कूँगी और बस ये तैयार है। नींबू मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।